नमस्ते। एक प्यार का नगमा, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। गीत को सीखते हैं बेंजो के ऊपर। सबसे पहले ट्यून कर लेते हैं बेंजो को। ये अपना जो ओपन है वो ट्यून है जी शार्प के ऊपर मेन स्ट्रिंग, जी शार्प के ऊपर बेस स्ट्रिंग। झाला की पहली स्ट्रिंग ट्यून है डी के ऊपर, दूसरी एफ शार्प, तीसरी ए, चौथी डी। पहली है डी तीसरे ऑक्टेव के ऊपर, और पहली है डी तीसरे ऑक्टेव के ऊपर, चौथी है डी चौथे ऑक्टेव के ऊपर। अब शुरू करते हैं सीखना अपने 1 2 3 4 5 6 छः नंबर के नोट से शुरू करेंगे। अगर मैंने ओपन जी शार्प पे ट्यून किया तो आपका 1 2 3 4 5 है, छः नंबर टोन जो की है वो हो जाएगी डी, इसलिए हमारा झाला भी है डी के ऊपर ट्यून। चलिए टेक्निकल बातें बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं डायरेक्ट सीखना। सबसे पहले गाने का अंतराय देख लेते हैं जो टाइटल में भी लिखा है। शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक बार तैयार कर लेते हैं और उसके बाद में जो छोटा सा और थोड़ा भाग बचता है उसको सीख लेंगे। तो आसान है, एक चीज़ का ध्यान में रखिए, अगर आप शुरुआत में बेंजो बजा रहे हैं तो बेसिकली बेंजो में आपको दोनों हाथों पे ध्यान देना है, लेफ्ट हैंड में भी आपको ध्यान देना है, आपको राइट हैंड में भी ध्यान देना है कि किस तरीके से दोनों वर्क करें और दोनों को एक साथ कैसे बजाना है। बेंजो के ऊपर जैसे समझ लीजिए, अगर आपको एक बटन को दो बार बजाना है तो आपको उस बटन को दो बार नहीं बजाना होगा, आपको उस बटन के ऊपर हाथ रख के तार को दो बार छेड़ना होगा। ठीक है, जैसे समझ लीजिए, जैसे ये है तो इस तरीके से आपको नहीं बजाना है, आपको बजाना है। ठीक है, तो ये तरीका है, एक बार शुरुआत में समझने में समय लगेगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। शुरू करते हैं, अब गाने का जो अंतरा है उसको धीरे धीरे सीखना। फिर से अब जी वन का मतलब तो, इसको धीरे धीरे देखते हैं। डायरेक्ट आप बजाएंगे तो इस तरह बजा सकते हैं, और अगर थोड़ा कर्ण स्वरों का यूज करें तो अब आना और जाना है वो देखिए, देखिए अब फिर से अब दो पल के जीवन में एक उम्र बितानी है, वो सेम है, एक प्यार का नगमा है। ठीक है, बहुत आसान है, देखिए। अब जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आप स्पेशल मेन स्ट्रिंग के ऊपर बजा सकते हो, बेस स्ट्रिंग के ऊपर बजा सकते हो, दोनों को साथ में मिला के बजा सकते हो इस तरह। एक बार धीरे धीरे देख लेते हैं। इस तरीके से अंतरा भी हो गया आपका और शुरुआत का मुखड़ा भी हो गया। म्यूजिक भी इसका बड़ा प्यारा है, म्यूजिक बेस स्ट्रिंग के ऊपर बजा सकते हो, उस पे ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, एक छोटा सा ये म्यूजिक है। Thank you.
ठीक है, एक छोटा सा ये म्यूजिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ढूंढ ढूंढ के भी इसको बजा सकते हो। मेन आपका जो मेहनत लगेगी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको दोनों हाथों से जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में परफेक्ट नोट निकालने में लगेगी। बेसिकली ऐसे जो एक बहकी बहकी सी आवाज़ आती है उसको कंट्रोल करने में लगेगी, तो अनुभव धीरे धीरे आएगा, वैसे वैसे नोट के ऊपर पकड़ बैठेगी। और वैसे गाना बहुत आसान है और बहुत ही सुंदर है। नॉर्मली आप सबसे पहले देखिए, अभी जैसे मेरे से गलती होगी, मैं भी अभी शुरू ही कर रहा हूँ, मुझे भी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ बजाते, तो इस तरीके से आपको भी दिक्कत आएंगी। तो कोशिश ये रहेगी जैसे जैसे जो भी मुझे पता चलता रहे वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताता रहूँ, और आपको भी सिखाने के जैसा तो नहीं लेकिन एक दोस्त की तरह मदद करता रहूँ जितना मुझे पता है। तो यही कोशिश है, बस आप तैयार करिएगा इस एक प्यार के नगमा सॉन्ग को, और उससे पहले जो स्केल है वो बजा लीजिएगा जिससे आपके हाथ फ्री हो जाए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों। जैसे है ना, क्योंकि इसमें गैप बीच बीच में डिफरेंट है हर नोट के बीच में, इसलिए आपकी उंगलियां फिस लेना। थैंक यू वेरी मच वीडियो को यहां तक देखने के लिए। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।